आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर वन, माइकल जैक्सन के मौत के 5 घंटे पहले ही विकिपीडिया पर किसी ने जानकारी डाल दी थी कि उनकी मौत किस दिन हुई है, किस समय पर हुई है, किस वजह से हुई है, ये सारी जानकारी विकिपीडिया पर आ चुकी थी। मगर हैरानी की बात यह है कि ये जानकारी किसने डाली थी, ये आज तक समझ में नहीं आया। फैक्ट नंबर टू, लेपर्ड यानी चित्ता जब भी दौड़ता है वो 80% हवा में होता है और 20% जमीन पे। इट्स फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर थ्री, मेक्सिको दुनिया में ऐसा अकेला देश है जहाँ पर डेथ डे मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स यूनिक। फैक्ट नंबर फोर, टीरेक्स एक अकेला जानवर है जो एक बाइट में 230 किलो मीट चबा सकता है। इट्स फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर फाइव, बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह ऐसा ट्रायंगल है जिसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या हवाई जहाज जाता है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और वो एरोप्लेन या हवाई जहाज वापस वहाँ से नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर सिक्स, अमेजोन जंगल से ही हमारे लिए 20% ऑक्सीजन आता है। फैक्ट नंबर सेवन, ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, वहाँ पे पहले एक शिव मंदिर था जो कि राजपूतों ने बनवाया था। शाहजहां की राजपूतों के साथ लड़ाई हुई, फिर शाहजहां जीता, फिर शाहजहां का उस मंदिर पर कब्जा हो गया, फिर उसने वहाँ पे ताजमहल बनवाया। फैक्ट नंबर एट, आपने लीचेन तो देखा ही होगा, वो इतने से एनिमल में 32 ब्रेन्स होते है ना हैरानी की बात। फैक्ट नंबर नाइन, आपके टॉयलेट के सीट से भी ज्यादा आपके फोन में जर्म्स। नंबर टेन, एक बार एक हवाई जहाज ने उड़ान ली थी फिर वो अचानक गायब हो गया, कंट्रोल रूम से भी उसका कनेक्शन टूट गया। महीनों बीत गए, सालों बीत गए, मगर उस एरोप्लेन का कुछ पता नहीं चला। 35 साल बाद वो एरोप्लेन फिर से लैंड हुआ। सिक्योरिटी वालों ने जांच पड़ताल के लिए देखा तो उसमें सिर्फ कंकाल थे। आज तक यह पता नहीं चला एरोप्लेन वापस कैसे आया और किसने उड़ाया, क्योंकि पायलट भी कंकाल बन चुके थे। फैक्ट नंबर 11, आपने देखा ही होगा, हमारे मोबाइल के कैमरे में जैसे मेगापिक्सल होता है वैसे ही हमारे आँखों में भी मेगापिक्सल होता है। हमारे आँख 64 मेगापिक्सल के होते हैं। फैक्ट नंबर 12, एयर इंक नाम की एक मशीन मार्केट में आई है जो कि पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके इंक में बदल देती है। ये मशीन बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों, तो है थे हमारे पारा अलग अलग फैक्ट्स। Hope you all are enjoyed.